हेलो स्टूडेंट, आज हम अंतिम कुंडली पढ़ेंगे यानी सातवीं कुंडली। राजा के दरबार में जइए समया पाए, साईं तहाना बैठ के जहको उदय उठाए, बोल अनबोले रहिए, हसिए नहीं हहाए, बात पूछे ते कहिए, कह गिरधर कबीराए, समय सो कीजे काजा, अति आतुर नहीं होए, बहुरी अनखे हैं राजा। इसका प्रसंग होगा कि यहाँ पर कवि ने प्रस्तुत कुंडली में कवि ने नीतिगत व लोक व्यवहार का ज्ञान दिया है। अब देखिए अर्थ, कवि यहाँ वर्णन करते हैं कि राजा के दरबार में जइए समया पाए, साई तहाना बैठिए, जहको उदय उठाए। कवि यहाँ वर्णन करते हैं कि राजा के दरबार में हमें उचित समय देखकर जाना चाहिए, समया पाए यानी उचित समय देखकर। फिर से देख लीजिए, कवि यहाँ वर्णन करते हैं कि राजा के दरबार में हमें समय देखकर यानी उचित और अनुचित समय देखकर, यानी उचित समय का अर्थ है यदि आपको जब उचित लगे तभी राजा के दरबार में जाना चाहिए। साई तहां बैठिए, जहको उदय उठाए। कवि यहाँ वर्णन करते हैं कि ऐसी जगह पर नहीं बैठना चाहिए जहां से किसी के द्वारा हमें उठाए जाने की आशंका हो, मतलब दूसरों की जगह पर, दूसरों के स्थान पर कभी नहीं बैठना चाहिए। हसिए, देखिए, जहको दे उठाए, बोल अनबोले रहिए, हसिए नहीं हहाए, बात पूछे ते कहिए। अब कवि यहाँ कह रहे हैं कि ऐसी जगह नहीं बैठना चाहिए जहां से हमें किसी के द्वारा उठाए जाने की आशंका हो। बोल अनबोले रहिए, मतलब बिना बोले रह जाना चाहिए, किंतु जोर जोर से ठहाका मारकर भी नहीं हंसना चाहिए। फिर से देख लीजिए इसका कि जहको देव उठाए, बोल अनबोले रहिए, यानी जब तक हमसे कोई कुछ ना कहे या ना पूछे तब तक बिना बोले यदि रहना पड़े तब भी बिना बोले रह जाना चाहिए, यानी व्यर्थ में जवाब नहीं देना चाहिए। हंसिए नहीं हहाए, बात पूछे ते कहिए। देखिए आगे ना कि जोर जोर से ठहाका लगाकर नहीं हंसना चाहिए और बात पूछे ते कहिए, यानी जब हमसे कोई बात पूछी जाए तभी उसका उत्तर देना चाहिए। व्यर्थ में बोलने से क्या होता है, उसकी इम्पोर्टेंस खत्म हो जाती है ना, इसलिए कहा गया है कि कह गिरधर कबीराए, समय सो कीजे काजा, अति आतुर नहीं होए, बहुरी अनखे है राजा। अब आप इसमें ध्यान देना कि जब हमें अर्थ लिखना है तो बहुत सोच समझ के लिखना है कि कह गिरधर कबीराए, समय सो कीजे काजा। गिरधर कबीराए कहते हैं कि हमें समय से कार्य करना चाहिए। अभी हम इसका अर्थ जमाएंगे, ठीक है। अति आतुर नहीं होए, अत्यधिक उतावलापन नहीं दिखाना चाहिए। बहुरी अनखे है राजा, बहुत बार यदि राजा अनदेखा भी कर दे, अनखे है यानी अनदेखा करना। तो इसका सही अर्थ, सीधा अर्थ कैसे लिखेंगे कि कवि वर्णन करते हैं कि हमें किसी भी काम में अत्यधिक उतावलापन या जल्दबाजी नहीं दिखाना चाहिए, नहीं करना चाहिए। और यदि राजा कभी हमारे कार्यों का निरीक्षण ना भी करे और अनदेखा कर दे तब भी हमें अपना कार्य उचित समय पर करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि राजा के अनदेखा कर देने पर या किसी के निरीक्षण ना किए जाने पर हम उस कार्य को करना ही छोड़ दें या धीमी गति से करने लगे जिससे वह काम समय से पूरा ही ना हो। इसी बात को यहाँ पर कवि ने समझाया है। तो अब आप समझ गए होंगे, मैं फिर से एक बार पूरा अर्थ आपको स्पष्ट कर देती हूँ कि राजा के दरबार में जइए समया पाए, साईं तहां ना बैठिए, जहको उदय उठाए। क
अब यहाँ वर्णन कर रहे हैं कि राजा के दरबार में आपको यदि जाना पड़े तो आप उचित समय का देखकर अवसर को देखकर ही जाएं। साईं तहां न बैठिए जहको दे उठाए, और जहां से किसी के द्वारा उठाए जाने की आशंका हो और दूसरों की जगह पर हमें नहीं बैठना चाहिए। जहको दे उठाए बोल अनबोले रहिए, और यदि हमें बिना बोले रहना पड़े तब हमें बिना बोले ही रह जाना चाहिए, जब तक कि कोई हमें कुछ बोलने को ना कहे या हमसे ना पूछे। हसिए नहीं हाय, बात पूछे ते कहिए, और हमें जोर जोर से हसिए नहीं हाय मतलब जोर जोर से ठहाका लगा कर ही नहीं हंसना चाहिए। अब बात पूछे ते कहिए, इस देखिए बोल अनबोले रहिए और बात पूछे ते कहिए का एक लाइन में अर्थ लिखेंगे कि बिना बोले यदि रह जाना पड़े तो रह जाना चाहिए, और जब तक हमसे कोई कुछ ना पूछे तब तक हमें जवाब नहीं देना चाहिए। ठीक है। क गिरधर कविराय समय सो कीजिए काजा। गिरधर कविराय कहते हैं कि हमें किसी भी कार्य में उतावला नहीं होना चाहिए, जल्दबाजी नहीं दिखाना चाहिए, और यदि बहुरी अनखे हैं राजा, यदि राजा अधिकतर यदि किसी कार्य में अनदेखा भी कर दे या उसका निरीक्षण ना भी करे तब भी हमें कार्य को समय से कर लेना चाहिए। ठीक है, अर्थ कंप्लीट हो गया आपका। अब हम देखते हैं विशेष। फर्स्ट पॉइंट है समय पर कार्य करने की सलाह दी गई है। दूसरा है अशिष्ट आचरण न करने की सलाह दी गई है। यहाँ पर हहाकर हंसना यानी ठहाके लगाकर जोर जोर से हंसना एक अशिष्ट आचरण के अंतर्गत आता है, इसलिए यहाँ पे अशिष्ट आचरण और व्यवहार करने की से मना किया गया है, यानी की सलाह दी गई है। किसकी सलाह दी गई है कि हम उचित और अनुचित का ध्यान रखकर अशिष्ट आचरण न करें। थर्ड पॉइंट है किसी भी कार्य में जल्दबाजी न करने की सलाह दी गई है, और उचित समय पर सबसे मुख्य बात इसमें यह समझाया गया है कि हमें सदैव समय पर अपना कार्य पूर्ण करना चाहिए। अब अगला पॉइंट आता है भाषा शैली। तो भाषा शैली बता दिया है आपको, हिंदी भाषा के शब्दों के साथ ब्रज और अवधी भाषा के शब्दों का प्रयोग किया गया है, शांत रस। अगला पॉइंट है कुंडली छंद का प्रयोग किया गया है। फिर है अलंकार, अलंकार में आता है यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का मुख्य रूप से प्रयोग किया गया है। अब आपको मैं एक चीज और बता देती हूँ कि देखिए कवि जब रचना लिखता है या कविता लिखता है तो वह पंक्तियों को इस तरीके से जमाता है कि वह गाने योग्य हो जाए, ठीक है, जिसे गाया जा सके। तब वह अर्थ नहीं देखता, अर्थ तब देखा जाता है जब हम उसका भावार्थ समझते या लिखते हैं, ठीक है ना। सरल शब्दों में जब लिखा जाता है तो इन पंक्तियों का अर्थ आगे पीछे होता ही है, जिस प्रकार आपको मैंने उदाहरण बताया कि समय सो कीजिए काजा बहुरी अनखे हैं राजा, ठीक है, तो इन दोनों लाइनों का अर्थ एक साथ आता है, और कह गिरधर कविराय अति आतुर नहीं हुए, इन दोनों लाइनों का अर्थ जब हम लिखते हैं तो इस तरीके से आता है और इसका इस तरीके से। तो कवि कविता लिखने का एक तरीका होता है, उसमें अर्थ के आधार पर नहीं लिखा जाता, लिखते समय शब्द अच्छे ढूंढे जाते हैं और उसे इस तरीके से लिखा जाता है कि वह गाया जा सके। किंतु जब हम अर्थ लिखते हैं, उसका भावार्थ बनाते हैं, तब वह आगे पीछे भी लाइनें इसमें हो जाती हैं कई बार, ठीक है ना। तो इसलिए इस चीज को हमेशा ध्यान रखना कि जब उसका अर्थ लिखा जाता है तो आगे पीछे लाइनें होती हैं। यह अर्थ की विशेषता है और काव्य की विशेषता है, ठीक है ना। अब आपका कुंडली पाठ समाप्त होता है। अब आप इसको अच्छे से पढ़ें, समझें और अपनी कॉपी में लिखें, ठीक है ना। धन्यवाद।